आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर से अगर आप भोपाल जा रहे हैं, राजमार्ग होकर जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी से रात के समय गाड़ी चलाएं, क्योंकि सड़क पर आवारा मवेशी यहां पर बैठे रहते हैं। गौवंश पालकों के द्वारा अपने मवेशियों को रात में खुला छोड़ दिया जाता है। सड़क पर आप देख सकते हैं कैसे यहां पर मवेशी बैठे हुए दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए नंद किशोर की रिपोर्ट। राजमार्ग तिराहा दरअसल नरसिंहपुर के पास, और वहां से लेकर भोपाल के बीच कुछ किलोमीटर तक इस तरीके के नज़ारे देखना आम बात है। बीचों बीच सड़क के आवारा मवेशी बैठे रहते हैं और दुर्घटनाएं यहां पर घटित होना बहुत सामान्य सी बात है। टोल किस बात का वसूला जा रहा है, इस बारे में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, चाहे वे विधायक हों या सांसद, उन्हें बहुत ज़्यादा इससे सरोकार नज़र नहीं आता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट। ये देखिए, रात के अंधेरे में मवेशी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सावधान होकर निकलिए। आप कहीं से कहीं गमन कर रहे हैं, चाहे भोपाल से नरसिंहपुर की ओर आ रहे हों या नरसिंहपुर से भोपाल की ओर जा रहे हों, राजमार्ग के आसपास जो भोपाल के मार्ग हैं, वहाँ पर इन गौवंश को आप बहुत ज़्यादा तादाद में सड़कों पर देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके की स्थितियाँ बरगी और जबलपुर के बीच में, जब फोर लेन का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय जबलपुर और बरगी के बीच में अक्सर ही चार पांच भैंस वहाँ पर रात के समय डंपर की टक्कर से मृत मिल जाया करती थी। वही स्थिति कमोबेश आज राजमार्ग तिराहे से लेकर भोपाल के मार्ग में कुछ किलोमीटर तक यही स्थितियाँ आपको देखिए, हम दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नरसिंहपुर में NHAI का कार्यालय है, लोक निर्माण विभाग का कार्यालय है। इस सब के बाद भी गौवंश पालकों को किसी तरह की कोई ये कहा जाए कि उन्हें रोक के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है, ना ही दिशा निर्देश है, और ना ही गौवंश पालकों को या मवेशी पालकों को किसी तरह का कोई खौफ ही नज़र आता है। आप अगर वाहन चला रहे हैं, बहुत सावधानी से वाहन चलाइए, अन्यथा आपके वाहन किसी भी मवेशी से टकरा सकता है। यहाँ बहुत ही धीमी गति, मंथर गति, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी नहीं होती है। देखिए, पूरी सड़क पर बीचों बीच बैठे हुए हैं। दरअसल सड़क गर्म भी होती है, दिन भर धूप के कारण रात में इन्हें गर्म मिलती है, साथ ही बारिश के समय में इनके लिए सबसे अच्छा ठौर आवारा मवेशियों के लिए सड़क ही हुआ करती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, विपक्ष में कांग्रेस है, पर किसी को भी इससे ज्यादा लेना देना प्रतीत नहीं होता, किसी को भी इससे कोई सरोकार प्रतीत नहीं होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए नंद किशोर की रिपोर्ट। नरसिंहपुर के करीब का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, और आप जब भी यहां से निकलेंगे आपको इस तरीके का नजारा दिखना आम बात है। नरसिंहपुर और नरसिंहपुर के करीब राजमार्ग चौराहे से एक सड़क सागर की ओर जाती है, एक नरसिंहपुर की ओर आती है, एक जबलपुर और एक भोपाल की ओर जाती है। और वहाँ से अगर आप भोपाल की ओर जा रहे हैं, यहाँ देखिए, रात का अंधेरा, अंधेरी सड़क में मवेशी किस तरह यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, और मवेशी सड़कों पर बैठे होते हैं, जो सड़कों पर बैठे हुए मवेशी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि रोजाना यहाँ पर आवारा मवेशियों में आधा दर्जन मवेशी दुर्घटना में मृत भी हो जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, लिमटी की लालटेन आदि पसंद आ रही हो, तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।